नमो नारायण फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एस्ट्रो आर्यन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सागा फॉर यू पर, जहां हम लेकर आते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारी गौरवशाली वैदिक संस्कृति व मानव जीवन तथा ब्रह्मांड से जुड़े मिस्टीरियस व इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सभी के लिए। सो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कहते हैं एक सुलक्षणा नारी के कदम जब किसी घर में पड़ते हैं तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसी नारियां जिस घर में जाती है वहां सुख समृद्धि शांति व लक्ष्मी निवास करती है तथा ऐसी नारी उस घर को धरातल से उठाकर स्वर्ग तुल्य बना देती है। सो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इन्हें साधारण नारी से अलग करती हैं और इन्हें सौभाग्यशाली व सुलक्षणा नारियों में शामिल करती है। फ्रेंड्स, यूं तो नारी के 64 प्रकार बताए गए हैं तथा इसमें सुलक्षणी एवं कुलक्षणी सभी प्रकार की नारियां आती हैं, लेकिन हमारी इस वीडियो में हमने इन 64 प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को धारण करने वाली 7 प्रकार की इन विशिष्ट नारियों का उल्लेख किया है। सो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी होती हैं 7 प्रकार की विशिष्ट नारियां। इनमें प्रथम प्रकार की नारी होती है पद्मिनी। ऐसी नारी दयालु व लविंग नेचर वाली होती है। एक हंसनी के समान चाल वाली ये नारियां बेहद सुंदर, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी की स्वामिनी होती हैं। इनके शरीर से कमल के फूल के समान सुगंध आती प्रतीत होती है। इनके नाक, कान, लिप्स ज़्यादा आकार न लेते हुए छोटे एवं अत्यंत ही सुंदर व सटीक अनुपात में होते हैं। शंख के समान सुंदर गर्दन वाली पद्मिनी का चेहरा एक कमल के पुष्प के समान उज्ज्वल व सुंदर होता है। ऐसी नारी अत्यंत भाग्यशाली, फेथफुल होती हैं तथा इनके जीवन में समस्याएं नगण्य होती हैं। ऐसी नारी अपने माता पिता की सेवा करने वाली तथा ससुराल पक्ष में जाने के पश्चात भी अपने सास और ससुर की सच्ची सेवक तथा पतिव्रता धर्म को निभाने वाली होती हैं। दूसरे प्रकार की नारी चैतरणी कहलाती है। इस कैटेगरी में आने वाली नारी भरोसेमंद तथा प्रेम से पूर्ण होती है। इन्हें स्वयं को सुंदर तरीके से सजाना व संवारना पसंद होता है। इस प्रकार की नारी अत्यंत बुद्धिमान व अत्यधिक श्रम से बचते हुए बड़ी ही बुद्धिमत्ता से अपने सभी कार्य संपूर्ण करने में एक्सपर्ट होती है। इनकी गर्दन सुडोल व आंखें एक्टिव होती हैं। एक हस्तिनी के जैसी चाल वाली ये नारी एक मोरनी के जैसी अत्यंत सुंदर व कर्णप्रिय आवाज की स्वामिनी होती हैं। शरीर से नाजुक व शर्मीले नेचर वाली ये महिलाएं अपने नृत्य, प्रेम और सुंदरता से अपने पति को हमेशा खुश रखने वाली होती हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं गृहस्थिनी। अपने नाम को सार्थक करती ये नारी आदर्श तरीके से गृहस्थ जीवन का संचालन करने में पूर्णतया निपुण होती है। ये हमेशा अपने पति से ताजिंदगी जुड़ते हुए अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से इन्हें मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता तथा धोखाधड़ी जैसे शब्द को ये जानती तक नहीं है। किसी पराये पुरुष की तरफ कभी भी अट्रैक्ट न होने वाली ये नारियां अपने आप को किसी भी प्रकार की गंदगी व दुष्प्रवृत्ति से हमेशा दूर रखती है। इन्हें ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं होता तथा एक सादा व आदर्श जीवन जीने वाली ये नारियां अपने मायके तथा ससुराल दोनों में ही उच्च सम्मान व प्रेम पाती हुई एक आदर्श जीवन जीती हैं। चौथे प्रकार की नारी होती है हंसनी। ऐसी नारी हमेशा ही प्रसन्नचित रहने वाली तथा समझदारी से भरपूर होती है। एक हंसनी के जैसी सुंदर चाल वाली ये नारियां हमेशा सत्यवादी होती हैं तथा प्रेम की देवी को चरितार्थ करती ये नारी अत्यंत ही सुंदर व रूप सौंदर्य के मामले में अतुल्य होती हैं। ये जिसे भी प्रेम करती है 100% उसी व्यक्ति के लिए न्योछावर हो जाती हैं तथा अपने अतुल्य सौंदर्य के लिए समाज में अत्यंत सम्मान प्राप्त करती हैं। केवल भाग्यशाली पुरुषों के नसीब में ही ऐसी नारियां लिखी होती हैं। अब चलते हैं पाँचवें नंबर की तरफ। सो फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर की नारी कहलाती है बहुवंशिनी। अपने नाम को चरितार्थ करती है नारी गृहस्थ जीवन को पूर्ण विश्वास व सुनियोजित ढंग से संचालित करती है। गेहूं रंग वाली ये महिलाएं एक अत्यंत आकर्षक शरीर की स्वामिनी होती हैं तथा जीवन में कभी भी झूठ न बोलने वाली ऐसी नारी अपना पूरा जीवन सच्चाई व संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने पति की सेवा में गुजारती हैं तथा समाज में हमेशा आदर व सम्मान की दृष्टि से देखी जाती हैं। छठे प्रकार की नारी होती है प्रेमिनी। अपने नाम के अनुसार ही ऐसी नारी प्रेम से पूर्ण होती है। अत्यंत सुंदर व मनमोहक रूप की स्वामिनी ऐसी नारी अपने पति की चहेती होती है। लंबे व सुंदर बाल तथा एक आकर्षक चेहरा की स्वामिनी ऐसी नारियों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान विराजमान होती है तथा अपने पति व ससुराल पक्ष पर हमेशा अपना जीवन में प्रेम नौछावर करने वाली ये नारी एक प्रेम से भरा जीवन व्यतीत करती है। सातवीं और अंतिम श्रेष्ठतम गुणों वाली नारी होती है स्वर्गिनी। ऐसी नारी अत्यंत पवित्र विचारों वाली, धार्मिक प्रवृत्ति वाली होती है तथा इनका स्वभाव सभी के प्रति अत्यंत सज्जनता से भरपूर होता है। ये पूर्णतया ईश्वर में आस्था रखने वाली तथा पूजा पाठ के कार्यों में संलग्न रहने वाली होती हैं तथा सभी प्रकार के त्योहारों को अत्यंत भक्तिभाव व श्रद्धा के साथ मनाने वाली होती हैं। ऐसी नारी सभी छोटे व बड़े का सम्मान करने वाली होती हैं,
अत्यंत मृदुभाषी वाणी की धनी ये महिलाएं समाज में आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं। अपनी संपूर्ण जिंदगी अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजते हुए ऐसी नारी एक सुखी व आदर्श जीवन व्यतीत करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी नारियों में सर्वश्रेष्ठ 7 प्रकार की नारियों की विशेषताएं। सो यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही अन्य वीडियोस का आनंद उठाने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करें वे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें अवश्य भेजें। सो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एस्ट्रो आर्यन आज के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूँगा एंड जल्दी मिलूंगा ऐसी ही मिस्टीरियस वे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वे जीवन में प्रगति करते रहें। नमो नारायण फ्रेंड्स।